मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं सब लोग। तो स्टार्ट कर रहे नया वीडियो, तो सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं। भाई दूज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है सबको पता है, फिर भी एक इम्पोर्टेंट माइथोलॉजिकल फैक्ट बता देता हूँ। यम यानी यमराज यमुना से मिलने गए थे भाई दूज के दिन, ये याद रखिएगा, यमराज यमुना। ठीक, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फैक्ट जो स्पेस मिशंस के बारे में था, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था उसी का आगे कंटिन्यू। पायनियर 10 पहला स्पेसक्राफ्ट 3 मार्च 1972 को जो जुपिटर फ्लाई बाई किया। जुपिटर फ्लाई बाई का मतलब होता है जुपिटर के पास से गया। ठीक, ओके। पायनियर 11 जुपिटर फ्लाई बाई भी किया और सैटर्न फ्लाई बाई भी किया, यानी बृहस्पति और मंगल ग्रह दोनों के बाजू से गया। ठीक है, ओके। वेनेरा 9 मैंने बताया था वेनेरा किससे रिलेटेड है, जहां वेनेरा वेनेरा आएगा ये सब वही वीनस से जुड़ा हुआ। वेनेरा 9 ने क्या किया था, पहला वीनस का ऑर्बिटर था और वीनस यानी कि शुक्र ग्रह के सतह से उसने फोटो ली। ठीक है, फर्स्ट इमेजेस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वीनस। वेनेरा 10 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है वाइकिंग 1 क्लियर पिक्चर फ्रॉम द मार्शियन सरफेस। ओके, क्लियर पिक्चर यानी अच्छी तस्वीर ली मंगल ग्रह से। तो अगर शुक्र ग्रह की बात करें, वीनस की बात करें, तो वेनेरा 9 जहां से फोटो की बात करेंगे, और अगर बात करेंगे मंगल ग्रह की, मार्स की, तो वाइकिंग 1। ठीक है, एक मार्शियन नाम की मूवी आई थी, उसको जरूर देखिएगा, उसमें मैट डेमन है, बहुत अच्छी मूवी है। मार्स ग्रह पर, मंगल ग्रह पर कैसे कोई आदमी फंस जाता, हॉलीवुड मूवी, उसको जरूर देखिएगा। वाइकिंग 1, ओके, 20 अगस्त 1975। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या है। वॉयजर 2 के नाम रिकॉर्ड है, जिसने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून सबका फ्लाई बाई किया। गजब फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। वॉयजर 2 वॉयजर 1 बहुत आता है इंपॉर्टेंट। वॉयजर 2 20 अगस्त को और फिर उसके बाद सितंबर को वॉयजर 1। अब आप सोचोगे वॉयजर 1 बाद में क्यों, पहले प्लानिंग वॉयजर 1 का ही था और बाद में वॉयजर 2 का। ओके, ये समझिए आप, उसको आप लोग गूगल में सर्च करना, कुछ जगह पर ये लिखा मिलेगा कि वॉयजर 1 को पहले जाना था, वॉयजर 2 को बाद में, लेकिन कुछ कारणों से वॉयजर 2 पहले गया, वॉयजर 1 बाद में, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है कौन सा ऐसा यान था, स्पेसक्राफ्ट था, जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सबको फ्लाई बाई किया, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह के बाजू से गया, तो वॉयजर 2। और वॉयजर 1 पहला स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से गया जो हीलियोस्फीयर से बाहर निकल गया। हीलियोस्फीयर क्या होता है ये समझ लीजिए, सौरमंडल जो बोलते हैं ना, ओके, सोलर सिस्टम, उसी से रिलेटेड है हीलियोस्फीयर। तो वॉयजर 1 5 सितंबर 1977 को हुआ, जुपिटर सैटर्न का फ्लाई बाई किया और फर्स्ट टू एग्जिट द हीलियोस्फीयर। ठीक है, ओके, बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ब्लैक और ब्लू में है, बोल्ड में ऊपर में, वॉयजर 2 वॉयजर 1 दोनों अमेरिका ने लॉन्च किया था, अमेरिका का फ्लैग है, झंडा है यहाँ पर। ओके, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट खतरनाक फैक्ट, 10 करोड़ का ISEE 3 सबसे नीचे नोट कर लीजिए। ISEE 3 अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, देखिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लोगों में पूरे स्टार बने हुए हैं ब्लू कलर के, देख रहे हैं। ISEE 3 12 अगस्त 1978 किसी कॉमेट पर जाने वाला, पुच्छल तारा कॉमेट पे जाने वाला, यानी फ्लाई बाई करने वाला, जाने वाला नहीं मतलब उसके बाजू से जाने वाला, ये हमारा इस शिप का नाम है ISEE 3। ISEE 3 का फुल फॉर्म क्या होता है गूगल में सर्च कर लेना। ठीक है, तो ये गया था कहां से, कॉमेट जियाकोबिनी या जियाकोबिनी जीनर से, और कॉमेट हेली फ्लाई बाय, ये देखो नीला नीला ब्लू में लिखा हुआ, फर्स्ट कॉमेट फ्लाई बाय क्लियर लिखा हुआ, किसी पुच्छल तारा के पास से गुजरने वाला हमारा है फर्स्ट कॉमेट फ्लाई बाय है ISEE 3। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है किस कॉमेट के पास से गया, तो कॉमेट जियाकोबिनी या जियासोबिनी जीनर, जैसा उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करिए, और कॉमेट हेली जिसके पास से गया ISEE 3। ठीक है, किसी ग्रह पर जाके वहां का साउंड रिकॉर्ड करना, वेनेरा 13 यानी वीनस से जुड़ा हुआ, फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड ऑन अनदर प्लैनेट वीनस,
आप देखोगे बहुत सारे फैक्ट वीनस के हैं, तो हम लोगों को लगता है कि मंगल ग्रह पे पहले गया, नहीं, पहले गया शुक्र ग्रह पे, वीनस पे गया है। बहुत सारी चीजें वीनस पे, लैंडिंग हुई, साउंड रिकॉर्डिंग हुई, फोटो लिया गया, सब वीनस के फैक्ट याद रखना, मंगल में कंफ्यूज मत हो जाना। तो वेनेरा 13 ने वहां जाके साउंड रिकॉर्ड किया, ओके ठीक, ब्लैक बोल्ड अक्षर में इंपॉर्टेंट है। फिर आता है वीगा 1, देखो वीगा, वीवी नाम से ज्यादातर वीनस से ही जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक वाइकिंग बस ऐसा है जो वाइकिंग और वॉयजर जो थोड़े से वी वी से स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो दूसरे जगह के लिए, लेकिन वेनेरा और वेगा ये वीनस से जुड़ा हुआ है। वेगा 1 15 दिसंबर 1984 को गया सोवियत यूनियन के दौरान, फर्स्ट बलून, देखो फर्स्ट बलून की अगर बात की जाए, फर्स्ट बलून की बात की जाए तो आएगा वीगा 1, ठीक है ओके याद रखना फर्स्ट बलून, ठीक चलो आगे बढ़ते हैं। ओके जीओटो, GIOTTO 2 जुलाई 1985 को फर्स्ट क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉमेट। अभी हमने बात की थी ISEE 3 की, जो कॉमेट के बाजू से गया, लेकिन किसी कॉमेट का ऑब्जर्वेशन करना, उसको पूरा डिटेल में स्टडी करना, वो किसने किया था, जीओटो ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का था वो, और कॉमेट हेली, हेलिस कॉमेट जो बोलते हैं ना, उसके पास से ये गया था, उसका ऑब्जर्वेशन किया था। ओके दुनिया का पहला मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन पहले ही बता चुका था मीर, 19 फरवरी 1986 को गया था, 19 फरवरी से 1986 से 2000 तक ये था, उसके बाद मीर के बाद आया ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक, फर्स्ट मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन मीर, मीर का मतलब था पीस या वर्ल्ड, शांति या विश्व। ओके अभी हमने पढ़ा पुच्छल तारा का, अब हम पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड्स। हमको पता चल गया फर्स्ट कॉमेट फ्लाई बाय क्या था, ISEE 3, ओके उसके ऊपर रिसर्च किसने किया, गेटो ने। अब बात करते हैं फर्स्ट एस्ट्रॉइड फ्लाई बाय, सारा रिकॉर्ड, पहला एस्ट्रॉइड फ्लाई बाय कौन सा था, कौन सा एस्ट्रॉइड का था, ये एस्ट्रॉइड के बाजू से गया, ओके क्षुद्र ग्रह, ठीक है क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह जो बोलते हैं, फर्स्ट एस्ट्रॉइड फ्लाई बाय गैस्परा, गैस्परा नाम के एस्ट्रॉइड के बाजू से गया ये, ओके पहले एस्ट्रॉइड का मून का भी डिस्कवरी किया, क्षुद्र ग्रह के चंद्रमा की भी डिस्कवरी की है जिसका नाम था डेक्टाइल, जुपिटर के ऑर्बिट में भी गया और जुपिटर के एटमॉस्फेयर के भी जांच किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है गैलीलियो, गैलीलियो 18 अक्टूबर 1989, इतने सारे रिकॉर्ड है, ये 10 करोड़ का फैक्ट बन सकता है, ये गैलीलियो को नोट कर लें, गैलीलियो है जुपिटर से रिलेटेड, ओके जुपिटर के एटमॉस्फेयर को भी देखा, एस्ट्रॉइड के बाजू से गया कौन सा एस्ट्रॉइड था, गैस्परा एस्ट्रॉइड, और गैस्परा एस्ट्रॉइड के मून यानी चंद्रमा की भी डिस्कवरी की, तो गैलीलियो बहुत इंपॉर्टेंट, हाई लेवल यूनिक फैक्ट, ओके तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काम आएगा ये, ओके ठीक चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको जरूर नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। गियटो, ये देखो गियटो जो कॉमेट हेली के बाजू से गया, उसका एक ये रिप्रेजेंटेशन है, एग्जैक्ट नहीं, उसका पेंटिंग या इमेज समझ लीजिए, एक गियटो का है सैटेलाइट का और दूसरा एक गैलीलियो का जो जुपिटर की बाजू से गया, बृहस्पति के बाजू से, ठीक है अच्छा इमेज है, बढ़िया। ओके किसी एस्ट्रॉइड पे लैंडिंग करने वाला नियर शूमेकर, अब आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हमने पढ़ा कि एस्ट्रॉइड के बाजू से कौन गया, वो हमने पढ़ लिया, अब एस्ट्रॉइड पे लैंड करने वाला, उस एस्ट्रॉइड पे उतरने वाला, ये है नियर शूमेकर, ठीक है नियर एनी एयर, नियर शूमेकर, नियर का भी कुछ फुल फॉर्म है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है नियर शूमेकर, ठीक ओके, जो किसी एस्ट्रॉइड पे लैंड किया, किस एस्ट्रॉइड पे लैंड किया देख लेना, गूगल कर लेना, इंपॉर्टेंट है ओके। कैसिनी ह्यूजेंस, ये आया इंपॉर्टेंट, कैसिनी ह्यूजेंस है शनि ग्रह से जुड़ा हुआ, फर्स्ट सैटर्न ऑर्बिटर, फर्स्ट आउटर प्लैनेट मून लैंडर ऑन टाइटन, शनि ग्रह के चंद्रमा पर लैंड करने वाला, किसी एक होता है आंतरिक ग्रह, एक होता है बाहरी ग्रह, आंतरिक ग्रह में क्या आते हैं अंदर के ग्रह, यानी कि बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये अंदर के आते हैं, मरकुरी वीनस अर्थ मार्स ये इनर प्लैनेट्स, और होते हैं आउटर प्लैनेट्स जो बाहर के ग्रह, जैसे कि
जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो था ग्रह, उसको हटा दिए, ठीक है। तो कैसिनी ह्यूजेंस जो है, कैसिनी हैजेंस, ह्यूजेंस, ये स्पेसक्राफ्ट गया था अमेरिका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और एक और देश का झंडा है, ग्रीन व्हाइट रेड, कौन से देश का झंडा आप बताना। 15 अक्टूबर 1997 को गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सैटर्न ऑर्बिटर, फर्स्ट आउटर प्लैनेट मून लैंडर, यानी किसी ग्रह के, बाहरी ग्रह के चंद्रमा पर लैंड करना है, ठीक है। सैटर्न का, शनि का ग्रह का चंद्रमा है टाइटन, उस पर लैंड किया कैसिनी ह्यूजेंस, ओके, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, हाई लेवल फैक्ट। सब ऐसे ही फैक्ट पूछते हैं ऊपर में, 1 करोड़ के ऊपर में, सब ऐसे ही फैक्ट आएंगे 50 लाख के ऊपर, ठीक, ओके, नोट कर लो। अब बात करते हैं कि देखो होता क्या है, बहुत सारी चीजें जो मैं पहले भी बताया था पिछले वीडियो में, कि एक फ्लाई बाई होता है जो बाजू से जाना होता है, एक होता है लैंड करना, फिर एक और होता है कि लैंड करके सक्सेसफुल वापस भी आ जाना, तो तीनों अलग अलग चीजें होती है। तो अगर बात करें फर्स्ट कॉमेट सैंपल रिटर्न, यानी कि सक्सेसफुल जो किसी कॉमेट पे जाकर, ओके, वहां से वापस रिटर्न किया, तो वो है स्टार डस्ट। स्टार डस्ट के सैंपल को लेकर आया था, स्टार डस्ट को कॉमेट के सैंपल को लेकर आया था, ओके, पुच्छल तारा पे लैंड करके उसके सैंपल को लाना, वो है स्टार डस्ट, ओके। ठीक, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, ओके, स्टार डस्ट, और एक बात बताता हूँ, जो कॉमेट शब्द होता है पुच्छल तारा, इसका मतलब होता है हेयर, कई बार ये भी पूछ सकता है इसमें से किस नाम का मतलब होता है हेयर या बाल, आएगा आपका आंसर कॉमेट, COMET, कॉमेट, ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टारडस्ट नोट कर लिया। जेनेसिस, ये आया एक और इंपॉर्टेंट, जेनेसिस जो अमेरिका ने लॉन्च किया था 8 अगस्त 2001 को, फर्स्ट सोलर विंड सैंपल रिटर्न, सूर्य की जो हवाएं हैं, सौर ऊर्जा जो हवाएं रहती है ना, सोलर विंड, उन हवाओं का सैंपल लेकर आया था, ठीक है, फर्स्ट सोलर विंड सैंपल रिटर्न, जेनेसिस, ठीक, ओके। हायाबुसा जापान का, किसी एस्ट्रॉइड पे लैंड करना और वहां से एस्ट्रॉइड का सैंपल लाना, अभी हमने पढ़ा था स्टारडस्ट कॉमेट से लाया, ओके, वैसे हायाबुसा नाम का जापान का स्पेसक्राफ्ट का, मूसेस सी करके लिखा हुआ है, देख लीजिए स्क्रीन पर, फुल फॉर्म भी है सबका। हायाबुसा नाम की बाइक भी आती है, महंगी बाइक आती है, स्पोर्ट्स बाइक। हायाबुसा का क्या मतलब होता है, गूगल में जरूर सर्च कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हायाबुसा एस्ट्रॉइड लैंडर, एस्ट्रॉइड पे लैंड किया और वहां से सैंपल रिटर्न लेकर भी आया एस्ट्रॉइड से, तो समझ रहे ना, फर्स्ट फ्लाई बाई क्या होता है ये जानना है, उसके बाद ये जानना है कि फर्स्ट फ्लाई बाई मतलब कि उस ग्रह के बाजू से गया, उसके बाद होता है सक्सेसफुल लैंडिंग करना, उसके बाद होता है एक और कि वहां से वापस आना, और उसके बाद एक और भी होता है कि वहां से सैंपल लेकर आना है। चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे चंद्रमा का भी, चांद के बाजू से कौन गया, ऐसा आप नोट कर लेना, एक पूरा लिस्ट बना लो, चांद के बाजू से कौन गया, चांद पे लैंडिंग पहली बार कौन किया, आदमी लोग, इंसान लोग चांद पे कब गए, वहां से सैंपल पहली बार कब लाए, सबके अलग अलग रिपोर्ट है। चांद से पृथ्वी की फोटो, फोटो टेकन फ्रॉम द मून या ऑर्बिट ऑफ द मून, ये कौन सा था, किस मिशन का था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इंपॉर्टेंट वीडियो है तो देख लीजिएगा, मून लैंडिंग्स के बारे में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कविता चावला जी को 1 करोड़ में। और कविता चावला जी जब वो 1 करोड़ का क्वेश्चन खेल रही थी, उसके 2 महीने पहले ही मैंने वीडियो में बता दिया था, ओके, ठीक है। तो ये हायाबुसा नोट कर लेना, एस्ट्रॉइड लैंडर, फर्स्ट सैंपल रिटर्न फ्रॉम एस्ट्रॉइड, ओके। रोसेटा फिले, ये कब की बात है, 2 मार्च 2004, एस्ट्रॉइड स्टेन्स और ल्यूटेटिया ल्यूशेशिया पे फ्लाई बाई, ओके, पहला कॉमेट ऑर्बिटर, कॉमेट ऑर्बिटर और लैंडर, इसमें देखिए ऑर्बिट भी किया और लैंड भी किया, दोनों चीज है रोसेटा। उसके बाद बात करते हैं मरकुरी की, अभी तक हमने वीनस की बात कर ली, मार्स, सब ग्रह की बात कर ली, तो बचा था मरकुरी, बुध ग्रह, बुध ग्रह पे जाने वाला, इजी, कई कई चीजें इजी इसलिए है क्योंकि देखो एम से मरकुरी, एम से मैसेंजर, इजी, वी से वीनस, वी से वेनेरा, ठीक,
तो कुछ कुछ चीजें ऐसे याद रखनी पड़ती है। फर्स्ट मरकुरी ऑर्बिटर, मरकुरी को ऑर्बिट करने वाला, मरकुरी के कक्षा में घूमने वाला, बुध ग्रह के कक्षा में घूमने वाला मैसेंजर। ठीक, अब बात करते हैं किसी और ग्रह पर, यानी प्लूटो तो एक ग्रह था लेकिन अब हट गया है। तो प्लूटो के ग्रह, जो जो ग्रह था जिसको अब डॉर्फ प्लैनेट बोला जाता है, तो उस पे जाने वाले प्लूटो की अगर बात की जाए तो न्यू होराइजन्स है, 19 जनवरी 2006 को गया। फर्स्ट प्लूटो शेरोन फ्लाई बाय। शेरोन क्या है, गूगल में सर्च करना, चेरोन या शेरोन, CHARON, 19 जनवरी 2006 को गया। ठीक, ओके, प्लूटो पे जाने वाले न्यू होराइजन्स। भारत का मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन, 5 नवंबर 2013, याद रख लो, नोट कर लो, मार्स ऑर्बिटर मिशन। चंद्रयान मंगलयान के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर इंपॉर्टेंट फैक्ट, मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013। ठीक, ओके, मार्स ऑर्बिटर, ओके। चाइना की तरफ से जाने वाला, मैंने पहले भी बताया था, जो फार साइड ऑफ मून पे लैंडिंग करने वाला, जो हिस्सा जो हमें दिखाई नहीं देता उस तरफ लैंडिंग करने वाला है चेंगी 4। चेंगी 4 7 दिसंबर 2018 को लूनर लैंडर एंड रोवर, फर्स्ट लैंडिंग ऑन द लूनर फार साइड। तो चीन देश ने किया है, अभी तक अमेरिका रूस भी नहीं कर पाया था, इसने किया चेंगी 4 ने। ठीक है, चेंगी का मतलब कुछ होता है, गूगल सर्च करो, हर चीज को मैं नहीं बताता, कई चीजें गूगल सर्च के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 लूनर ऑर्बिटर गया था, लेकिन कांटेक्ट इसका लॉस्ट हो गया ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ डिसेंट। बस उस पर पहुंच ही रहा था, लैंड करने ही वाला था, थोड़ी ही दूर पे उससे पहले कांटेक्ट लॉस्ट हो गया था। ठीक है, ओके। इसके लैंडर का, रोवर का क्या नाम था ये पता होना चाहिए, और किसने खोजा बाद में, वो भी किसी भारतीय ने खोजा, क्योंकि जब ये नष्ट हो गया, तबाह हो गया या पहुंच नहीं पाया उस जगह पर, तो कॉन्टेक्ट छूट गया था इसरो से। उसके बाद कुछ टाइम के बाद किसी भारतीय ने खोजा कि ये यहाँ पर है, इसका चंद्रयान 2 के हिस्से पड़े हुए, वो किस भारतीय ने खोजा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ओके। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 की डेट देख लिए, 22 जुलाई 2019, ओके। और चंद्रयान 1 की डेट ये भी देखो 22 है, गजब है, वो भी 22, ये भी 22, 22 जुलाई 2019 है, और ये है 22 अक्टूबर 2008। चंद्रयान 1 के नाम रिकॉर्ड है वाटर डिस्कवर किया मून पे, चंद्रयान 1 के नाम है रिकॉर्ड पानी डिस्कवर किया मून पर। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लीजिएगा चंद्रयान 1 का, जो भी मैं आगे बताऊंगा, ओके, पानी डिस्कवर किया है मून पर। ठीक है, ये तो नोट कर लो। ठीक, डेट याद रख लीजिएगा। तो चंद्रयान 1, ओके, चंद्रयान 1 जहां पर लैंडिंग किया, जहां पर क्रैश किया, देखिए इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ है, और क्या किस्मत बोलिए जो बोलिए, 14 नवंबर 2008 को उसने लैंड किया। 14 नवंबर को क्या आता है, बाल दिवस, तो 14 नवंबर को आगे बाल दिवस, जहां पर उसने लैंड किया उस जगह का नाम रख दिया गया जवाहरलाल नेहरू पॉइंट, वो भी आगे मैं बताऊंगा। 22 अक्टूबर 2008 को गया, 14 नवंबर 2008 को लैंड किया है, और लैंड जहां पर किया है, जिस जगह पर वो लैंडिंग किया है, उतरा है यान चंद्रयान 1, उस जगह को बोला जाता है जवाहरलाल नेहरू पॉइंट, ओके। और वो शेकल्टन क्रेटर के बाजू में है, क्रेटर मतलब था गड्ढा, शेकल्टन क्रेटर, अभी आगे दिखाऊंगा मैं आपको, ओके। ठीक, और भी बात करते हैं और कुछ मिशन की जो अभी 2021 में चल रहे हैं, लूसी मिशन जुपिटर के एस्ट्रॉइड्स के लिए, और डार्ट मिशन, डार्ट किस लिए था, डार्ट मिशन अभी पूछा भी गया था केबीसी में, इंपॉर्टेंट, जो 20 नवंबर 2021 को गया है, एस्ट्रॉइड 65803 डिडिमोस के बाजू से गया, और उसके मून डाइमॉर्फस पे इम्पैक्ट किया। ठीक है, डाइमॉर्फस नाम का उसका चंद्रमा है, उस पे टकराना। ठीक है, डार्ट याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ओके। अब बात करते हैं कौन कौन किस देश से पहले व्यक्ति गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। सोवियत यूनियन से गए यूरी गैगरिन वोस्टोक 1 में 12 अप्रैल 1961 को, यूनाइटेड स्टेट से गए हैं एलन शेपर्ड MR-3 में 5 मई 1961 को। ठीक,
और भी पूरी लिस्ट है, ये लिस्ट है पूरी देख सकते हो आप लोग। उसके बाद 1970 में कौन कौन गया, चेकोस्लोवाकिया से, पोलैंड से, ईस्ट जर्मनी, बुल्गारिया, ऐसा पूरी लिस्ट, हंगरी, वियतनाम, क्यूबा, मंगोलिया, रोमानिया, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, अलग अलग सब। मैक्सिमम आप यहाँ देखो सब सोयूज ही दिख रहा है, सोवियत यूनियन का यूरी गैगरिन वोस्टोक 1 में गए हैं, बाकी सब सोयूज 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 सब सोवियत यूनियन की मदद से गए। क्यों गए हैं? क्योंकि सोवियत यूनियन पहले डिसॉल्व नहीं हुआ था, तो उसके अंदर बहुत सारे देश आते थे। ठीक। और देखो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखो, 20वें नंबर पे अफगानिस्तान, इवन अफगानिस्तान का भी व्यक्ति जा चुका है अंतरिक्ष में। ठीक है, ये सब अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों की बात हो रही है। अब्दुल अहद मोमंद, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ सकता है, अब्दुल अहद मोमंद गया है अफगानिस्तान की तरफ से, और इंडिया की तरफ से राकेश शर्मा तो गए ही हैं 1984 में, 3 अप्रैल 1984, सोयूज T-11, ओके सोयूज T-11 में गए हैं। ये पूरी लिस्ट है, जूम कर देता हूं मैं, देख लो, नोट कर लो। ठीक, लिखा हुआ है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान का कोई नहीं गया आज तक, लेकिन अफगानिस्तान का जा चुका अब्दुल अहद मोमन सोयूज T-6 में। ठीक है, ओके। और 2020 में गए ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, इजिप्ट से, ये प्राइवेट प्लेन की बात करें, ब्लू ओरिजिन, NS-80, NS-22 में। तीन लोगों का नाम लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, 13 अक्टूबर 2021 को गए क्रिस बोजुहेन, और फिर 4 अगस्त 2022 लेटेस्ट लेटेस्ट यानी 2 महीने पहले मारियो फेरेरा और सारा सैबरी ब्लू ओरिजिन में। अभी लोगों की फोटो देख लीजिए, बिग पिक्चर में काम आ सकती है। सोवियत यूनियन के यूरी गैगरिन पहले अंतरिक्ष में जाने वाले थे 1961, एलन शेपर्ड स्पेस में जाने वाले, चेकोस्लोवाकिया के व्लादिमीर रेमेक, मिरोस्लाव हर्मेस्वेस्की पोलैंड के, ये खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इन दोनों को देख लो, यूरी गैगरिन और एलन शेपर्ड की फोटो बिग पिक्चर में काम आ सकती है। ठीक है, ओके। सिगमंड जैन ऑफ ईस्ट जर्मनी, जर्मनी की तरफ से, राकेश शर्मा पहले इंडियन स्पेस में 1984, हेलेन शर्मन पहले पर्सन यूनाइटेड किंगडम से स्पेस में 1991 में, हेलेन शर्मन यूके, अभी यूके का चल रहा है ना, आपको पता है ऋषि सुनक नए पीएम बन गए हैं, तो हेलेन शर्मन फर्स्ट पर्सन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम इन स्पेस। चाइना की तरफ से यांग लिवाई, यांग लिवाई, ओके। देखो अगर बात किया जाए कि दुनिया का पहला देश कौन है जिसने स्पेस में भेजा आदमी, तो सोवियत यूनियन, रशिया आएगा, फिर दूसरा आएगा अमेरिका, और तीसरे की बात की जाए तो आएगा चाइना, जिसने खुद अपना लॉन्च किया। राकेश शर्मा जी गए हैं वो, लेकिन गए रूस की मदद से, वो अलग बात है, सोवियत यूनियन की मदद से, ठीक है, सोयूज T-11 में। लेकिन अगर खुद की बात की जाए, खुद के देश ने खुद के अपने आदमी को लॉन्च किया, तीसरा देश तो आएगा चाइना 2003 में, यांग लिवाई ऑफ चाइना। तो ये कंफ्यूजन को क्लियर रखिएगा, ठीक है, इससे मैं सारे कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग कहीं फंसो नहीं। ये फोटोज देख लीजिएगा, ओके। और पहला स्पेस टूरिस्ट, पहला अंतरिक्ष यात्री 28 अप्रैल 2001 को गया था और 6 मई 2001 को वापस 8 दिन के लिए थे। किसमें गए थे? ISS EP-1 में डेनिस टीटो, अमेरिका के नागरिक। फिर उसके बाद 25 अप्रैल 2002 को गए हैं, 5 मई 2002 को वापस आए हैं। सब यान का भी नाम लिखा है, सोयूज T-32 से गए थे, ये सब लिखा हुआ है। ISS EP-2 में और मार्क शटलवर्थ साउथ अफ्रीका के, ठीक है। तो पहला पर्सन डेनिस टीटो, ठीक। और भी लोग हैं ऐसे ही, ग्रेगरी ओल्सन है। और पहली महिला की बात की जाए तो अमेरिकन और ईरानियन मूल की है, अनुसे अंसारी, सोयूज T-9 में गए 10 दिन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अंतरिक्ष यात्री की बात करेंगे, स्पेस टूरिस्ट, फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट होते हमारे डेनिस टीटो, फिर बाद में मार्क शटलवर्थ आते हैं, फिर ग्रेगरी ओल्सन आते हैं। लेकिन पहले महिला की बात की जाए, फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट वुमेन, फर्स्ट वुमेन स्पेस टूरिस्ट आएगा अनुसे अंसारी, ठीक है, महिला अंतरिक्ष यात्री। लेकिन महिला अंतरिक्ष यात्री कौन? जो टूरिज्म के हिसाब से, घूमने फिरने के हिसाब से, क्योंकि पहले महिला अंतरिक्ष यात्री तो हमें पता है, फर्स्ट स्पेस वुमेन क्या, फर्स्ट वुमेन स्पेस वैलेंटिना टेरेश्कोवा। लेकिन यहाँ बात करें घूमने के पर्पस से, टूरिज्म के पर्पस से, ठीक है, ठीक, ओके। तो अनुसे अंसारी आएगा, ठीक है, ओके, नोट कर लेना।
तो टूरिज्म मतलब समझ रहे हैं ना, पर्यटन, अंतरिक्ष पर्यटन के हिसाब से अगर बात करें, स्पेस टूरिस्ट और महिला फीमेल, तो अनुसय अंसारी। ओके नोटेड। प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट जो हो गया, कैरमल लाइन को क्लियर किया। कैरमल लाइन क्या होता है, ऐसी रेखा पृथ्वी के ऊपर जो सी लेवल से 100 किलोमीटर ऊपर होती है, समुद्री सतह से 100 किलोमीटर ऊपर की लाइन को बोलते हैं कर्मल लाइन। उसमें कौन कौन गए थे, 20 जुलाई 2021 को। देखो 20 जुलाई का डेट जानबूझ के चुना गया क्योंकि 1969 20 जुलाई को चांद पर गए थे हमारे तीनों एस्ट्रोनॉट्स, आर्मस्ट्रॉन्ग, कॉलिंस, बज एल्ड्रिन। ओके ठीक। ओके तो ये गए थे लगभग 10 मिनट के लिए, सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट था, कर्मल लाइन को छू कर आए थे। जेफ बेजोस, मार्क बेजोस दोनों भाई, ऑलिवर डिमन और बाली फांग, इनका रिकॉर्ड देख लीजिएगा, इनका नाम देख लीजिएगा गूगल में। और ये मैं पहले ही बताया था कल भी वीडियो में, फिर से एक बार रिविजन करता हूँ। स्पुतनिक 1 फर्स्ट ह्यूमन मेड मैन मेड ऑब्जेक्ट इन स्पेस, वोस्टोक 1 में गए यूरी गागरिन, वोस्टोक 6 में गए वैलेंटिना टेरेश्कोवा, और क्रू ड्रैगन डेमो 2 में गए। अगर प्राइवेट कंपनी की बात की जाए जो अर्थ के ऑर्बिट को गया छुआ है, तो आपका ये आएगा स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन डेमो 2। ठीक है, तो ये सब ऑर्बिट वाली बात कर रहे हैं, पृथ्वी के कक्ष में, अर्थ के ऑर्बिट में जाने वाले स्पुतनिक 1, फिर पुरुष को लेके जाने वाले यूरी गैगरिन, वोस्टोक 1, फिर महिला को लेके जाना वोस्टोक 6, वैलेंटिना टेरेश्कोवा, फिर क्रू ड्रैगन डेमो 2। प्राइवेट की बात की जाए, ठीक है, ये कल भी बताया था मैं। ओके, और ये मीर की फोटो है, फिर से देख लो एक बार। ओके, और मीर का ये लोगो। ओके, अब और हम लोग डिटेल देखते हैं, और भी जो फैक्ट्स वो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक, ओके ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना। अभी क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो हम लोग उसका एक फैक्ट और देख लेते हैं कि यूक्रेन की तरफ से जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। कुछ भी पूछ सकते हो उठा के। पावेल रोमानोविच पोपोविच, पावेल रोमानोविच पोपोविच, ये है यूक्रेनियन, पहले यूक्रेनियन स्पेस में जाने वाले। ठीक है, नाम याद कर लेना, नोट कर लेना, फर्स्ट यूक्रेनियन इन स्पेस। इसको और जूम कर देता हूँ, ये लीजिए, पावेल रोमानोविच पोपोविच, फर्स्ट यूक्रेनियन इन स्पेस। फोटो भी देख लो। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। बाहरी स्पेस में पहुंचने वाला है, यानी टू रीच द आउटर स्पेस, पहला रॉकेट बोलेंगे तो MW-18014, नोट कर लेना, MW-18014, जो कार्मल लाइन के ऊपर पहुंचा था 20 जून 1944 को, बिकमिंग द फर्स्ट सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट। ये याद रख लीजिएगा, पहला रॉकेट जो कर्मल लाइन के ऊपर से निकला था, MW-18014, किस कंपनी ने बनाया था ये भी याद रख लेना, मिटल वर्क GmbH, राइट साइड में लिखा हुआ मिटल वर्क GmbH। इसको मैं जूम कर देता हूँ, ये देख, मैन्युफैक्चरर है मिटल वर्क GmbH। पहला रॉकेट है, पहली ऐसी चीज जो आउटर स्पेस पे गई, इट वॉज द फर्स्ट मैनमेड ऑब्जेक्ट टू रीच आउटर स्पेस, 176 किलोमीटर तक गई थी कर्मल लाइन के भी ऊपर, MW-18014। ठीक है, कर्मल लाइन क्या होता है ये समझ लो, कर्मल लाइन होता है 100 किलोमीटर ऊपर, यानी लगभग 62 माइल्स ऊपर, या 3,30,000 फीट ऊपर, एबो द अर्थ मीन सी लेवल, समुद्री सतह से 100 किलोमीटर ऊपर, समुद्री सतह से 62 मील ऊपर। ठीक, FAI, FAI क्या है, FAI वो संस्था है जो दुनिया भर के स्पेस रिकॉर्ड्स को कैलकुलेट करते हैं। जो हम बोलते हैं ना, अरे वो अंतरिक्ष में गया, वो 100 किलोमीटर गया, वो इतना दूर गया, ये सब रिकॉर्ड को वेरीफाई कौन करता है, ये वेरीफाई करता है FAI। FAI का लोगो कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो पहले कर्मन की फोटो देख लेते हैं, जो कर्मन लाइन बोलते हैं। कर्मन कौन थे, हंगरी अमेरिका के मैथमेटिशियन थे, एरोस्पेस इंजीनियर थे, जिनके नाम पर कर्मन लाइन है। ओके, ये उनकी फोटो, फ्योडर वोन कर्मन, ठीक है, काम आ सकता है बिग पिक्चर में भी, बिग पिक्चर भी आने वाला है जनवरी में, तैयारी करते रहो, ई बुक्स पढ़ते रहो, और कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछना।
ई बुक्स पढ़िए, टेलीग्राम के क्विज से जुड़िए, पीडीएफ पढ़िए और अच्छा अमाउंट जीतिए। ओके ठीक है, कोई जुड़ना चाहता है ग्रुप में तो कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है। केबीसी किड्स की भी 30 अक्टूबर को है ग्राउंड ऑडिशन, तो अपनी तैयारी करते रहो अच्छे से। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये है एफएआई, एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन, या फिर फेडरेशन एयर नॉटिको इंटरनेशनल, एफएआई, ये उसका लोगो है, देख लो एफएआई का लोगो है। 14 अक्टूबर 1905 को बना है ये, और इसका हेडक्वार्टर लोसेन स्विट्जरलैंड में। ये पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है कि कौन कितने ऊंचाई तक बलून में उड़ा, स्पेसक्राफ्ट में गया आया, कहाँ लैंड किया, ये सब पूरे रिकॉर्ड्स पूरे मेंटेन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एफएआई, एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, इसका लोगो को देख लीजिए अच्छे से, ये है चिड़िया है पृथ्वी के ऊपर, बर्ड ऑन द ग्लोब। एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन, फेडरेशन एयरोनॉटिको इंटरनेशनल इज द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फॉर एयर स्पोर्ट्स एंड ऑल्सो स्टीवर्ड डिफाइनिंग डेफिनेशन रिगार्डिंग द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, एयर स्पोर्ट्स। एयर स्पोर्ट्स में क्या आता है, ये सब आता है, बलून कौन कितने ऊपर से डाइव किया, पैरासूट में आया, क्या क्या किया, ये सब आता है। ठीक है, लोसेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, ओके। मार्स ऑर्बिटर मिशन की बात करते हैं, मंगलयान की, जो मैं बताया था इसरो ने लॉन्च किया था इसको 5 नवंबर 2013 को, ओके, और फिर ये 24 सितंबर 2014 से मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा था। ओके, भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था, दुनिया की चौथी एजेंसी बन गई थी इसरो जिसने मंगल ग्रह पर भेजा, वो भी सक्सेसफुली, है ना, अपने पहले ही अटेम्प्ट में भेजा, वो पहला ही देश बन गया, और वैसे देखा जाए तो चौथा देश है आफ्टर रोसकॉस्मोस, रोसकॉस्मोस यानी रशिया की एजेंसी, फिर नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद अगर किसी ने मंगल ग्रह पर भेजा है तो वो है भारत। ठीक है, कहां से लॉन्च किया गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, ये है फोटोज की। ठीक है, ओके, मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च पैड था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, किससे लॉन्च किया था, पीएसएलवी रॉकेट C-25, 5 नवंबर 2013 को। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस व्हीकल से लॉन्च है, पीएसएलवी C-25। और अब बात करते हैं कब तक इसका वो था, 2 अक्टूबर 2022 को रिपोर्ट किया गया कि इसका कम्युनिकेशन अर्थ से छूट गया। तो देखिए, ये जो लॉन्च हुआ था 2013 को, 5 नवंबर 2013 को, लगभग 10 साल, लगभग 9 साल पूरे कंप्लीट कर लिया इन्होंने, 9 साल कंप्लीट हो गए थे। तो 3 अक्टूबर 2022 को इसरो ने बोला कि अभी मंगलयान का पूरा बैटरी फ्यूल सब खत्म हो गया, जो भी इसका पर्पस था पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेटेस्ट घटना है, इसीलिए मंगलयान का ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कौन कौन इंजीनियर इसमें इन्वॉल्व थे, टीम में मंगलयान के राधाकृष्णन जो उस समय के चेयरमैन थे इसरो के, ये सब नोट कर लेना आप लोगों की, पूछ सकता है इसरो के चेयरमैन कौन थे जब मंगलयान लॉन्च हुए, चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ तब कौन थे चेयरमैन, ऐसा पूछ सकता है इसरो का, तो वो एक लिस्ट पूरी आप बना लो। मोमिता दत्ता थी प्रोजेक्ट मैनेजर मार्स ऑर्बिटर मिशन की, नंदनी हरिनाथ थी डेप्यूटी ऑपरेशन डायरेक्टर, रितु करिढाल थी डेप्यूटी ऑपरेशन डायरेक्टर नेविगेशन, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है देख लो, कि राधाकृष्णन थे चेयरमैन इसरो के। ठीक है, टोटल कॉस्ट मिशन का कितना था, 450 करोड़ रुपए। ठीक है, नासा का जो मिशन था मावेन, MAVEN, उस मिशन का आधा कॉस्ट था, मंगलयान का जो मिशन था 450 करोड़। ठीक, ओके, मंगलयान मिशन का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन का 2000 के नोट के पीछे मंगलयान की फोटो है। ठीक है, ओके, इसके ऊपर मूवी भी बनी थी मंगलयान अक्षय कुमार की। अब बात करते हैं चंद्रयान 1 की, चंद्रयान 1 का जो मैंने पहले बताया था कब लॉन्च हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 को गया था ये। ठीक है, और लगभग अगस्त 2009 तक ये ऑपरेट कर रहा था, लिखा हुआ है फर्स्ट लूनर प्रो अंडर चंद्रयान प्रोग्राम। और इसकी खास बात क्या थी कि 14 नवंबर 2008 को इसने लैंड किया, देखिए 14 नवंबर होता है जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे,
उस दिन लैंड किया, इसके जिस पॉइंट पे लैंड किया उसको बोल दिया गया जवाहरलाल नेहरू पॉइंट। ये मैं जूम कर दे रहा हूँ, लिखा हुआ है क्लियर स्क्रीन पर। ओके, सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से लॉन्च किया गया PSLV XL रॉकेट। कब पहुंचा? 14 नवंबर 2008 को पहुंचा। और जहां पर लैंड किया उस जगह को बोला जाता है नेहरू पॉइंट। ए नोट कर लो, 14 नवंबर 2008 को मून इंपैक्ट प्रोब जहां पर गया, लैंड किया नियर द साउथ पोल, उस लोकेशन को बोला जाता है जवाहर पॉइंट। क्रेटर का नाम क्या था? शेकल्टन क्रेटर, मैंने बताया था ना, शेकल्टन क्रेटर के पास इंपैक्ट किया है, तो इसको बोला जाता है लोकेशन ऑफ इंपैक्ट पॉइंट वाज जवाहर पॉइंट। ओके, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ठीक, ओके, नोटेड। और भी फैक्ट रहेंगे स्पेस मिशन से रिलेटेड। ये फोटो थे, ये देखिए बढ़िया फोटो है, जो चंद्रयान वन ने खोजा था पानी, चंद्रमा पे पानी की खोज की फोटो है, बहुत बढ़िया। हो सकता है फोटो दिखा के पूछे क्या है की फोटो है, बिग पिक्चर में पूछ सकता है, केबीसी में भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। ओके, ठीक है, तो ये आप फोटो देख लीजिएगा। ओके, चंद्रयान प्रोजेक्ट के मेन कौन कौन हेड थे? जी माधवन नायर थे उस समय चेयरमैन इसरो के, और इसरो सैटेलाइट सेंटर के कौन डायरेक्टर है, सब पूरी लिस्ट है, इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, मेन मेन पढ़ लीजिएगा कि कौन उस समय डायरेक्टर रहे हैं या चेयरमैन रहे हैं, वो जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक, ओके, ये पूरी लिस्ट है, थोड़ा छोटा है बट आप इसको रुक के पॉज करके जूम करके कर सकते। और बात करते हैं चंद्रयान टू की, चंद्रयान टू में क्या था? ये दूसरा मिशन था चंद्रयान, उसके अंदर विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था। ठीक है, लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है, ये कब लॉन्च हो गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया, और 20 अगस्त 2019 को ये चंद्रमा की कक्ष में पहुंचा। ठीक, ये उसकी फोटो है लगभग चंद्रयान टू की, विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर, ठीक, इसरो ये हुआ। और फिर किससे गया था? GSLV Mark 3 M1 लिखा हुआ है, ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप पॉज करके देखें तो आपको सब डिटेल मिल जाएगी। 20 अगस्त 2019 को लगभग पहुंच रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि क्रैश हो गया, और 6 सितंबर को क्रैश हो गया लैंड करने के पहले, तो वो पता नहीं अब कब क्या होगा। फिर उसके बाद कुछ टाइम के किसी ने खोजा, किसने खोजा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और 2023 में प्लान हो रहा है कि चंद्रयान 3 लॉन्च करेंगे। अब खोजा किसने, सबसे इंपॉर्टेंट, विक्रम जो लैंडर था, ओके, विक्रम लैंडर को खोजा किसने? सन्मुख सुब्रमण्यम ने। सन्मुख सुब्रमण्यम ने पूरा फोटो को एनालाइज किया, और उसके बाद फोटो कैसे एनालाइज किया, एक गूगल मून करके आता है, जैसे गूगल अर्थ होता वैसे गूगल मून करके होता, तो उसमें उन्होंने लॉन्च किया और फिर देखा सारी फोटोज को, तब जाके विक्रम जहां पर मिला उनको, विक्रम लैंडर कहां पर इम्पैक्ट किया, कहां पर वो टुकड़े टुकड़े हो गए थे, तो उसको मिला सन्मुख सुब्रमण्यम। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सन्मुख सुब्रमण्यम ने खोजा, ये देखो नाम को, विक्रम इम्पैक्ट साइट किसने खोजा था जहां पर विक्रम के टुकड़े मिले, तो वो है सन्मुख सुब्रमण्यम, इंडियन ने ही खोजा। ओके, और स्पुतनिक वन का एक फोटो बढ़िया वाला लेटेस्ट, ठीक, स्पुतनिक वन, ओके, इसलिए स्पुतनिक 5 नाम का एक वैक्सीन भी बना दिया था रूस ने। ठीक, ओके, स्पुतनिक 1, 2, 3, 4 किस लिए काम आते हैं वो देख लीजिएगा आप लोग, किस किस चीज के लिए काम आए गए थे सैटेलाइट का। ठीक है, ओके, तो चलो, थैंक यू सबको ज्वाइन करने के लिए, और अगले वीडियो में और इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन के फैक्ट्स बताऊंगा, जो पार्ट 3 रहेगा। करंट अफेयर्स की वीडियो आ जाएगी हर संडे, ओके, फेसबुक पे आएगी और यूट्यूब पे भी आएगी, हो सकता है फेसबुक पे ज्यादा है करंट अफेयर्स की वीडियो। ओके, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, और उम्मीद नहीं छोड़ना है, KBC में जाना है, बिग पिक्चर में जाना है, ह्यूज अमाउंट जीतना है, ई बुक्स पढ़िए, PDF पढ़िए, टेलीग्राम से जुड़िए, सब चीजों में हेल्प होगी, हाई लेवल फैक्ट्स मिलेंगे, और आराम से 50 लाख 1 करोड़ जीतोगे, कोई टेंशन नहीं है। KBC किट्स में भी किसी को कुछ जरूरत हो क्वेश्चंस की कुछ की, तो ई बुक जरूर पढ़िएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।